रूस के पूर्व प्रधानमंत्री मिखाइल कास्यानोव ने बड़ा दावा कर दिया है, जल्द खत्म नहीं होगा रूस यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध, 2 साल तक चल सकता है दोनों देशों के बीच युद्ध, ये कहा गया है। यूक्रेन जीतने के बाद पुतिन का फोकस अगले टारगेट पर होगा, बाल्टिक देश हो सकते हैं पुतिन का अगला निशाना। देखिए बाल्टिक मुल्कों को लेकर इससे पहले भी तमाम तरह की आशंकाएं जाहिर की गई हैं और अब एक बार फिर इसका जिक्र हुआ है। तो आशंका जताई जा रही है, दावा यह किया जा रहा है कि 2 साल तक ये युद्ध चलेगा और अगला टारगेट जो पुतिन का होने वाला है वो बाल्टिक स्टेट है। दरअसल रूस के पूर्व पीएम मिखाइल की तरफ से दावा किया गया है, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 2 साल तक चल सकता है, ये दावा किया जा रहा है कास्यानोव की तरफ से। युद्ध के परिणाम रूस के अगले कदम को निर्धारित करेंगे, यानी इस युद्ध से क्या निकल कर सामने आता है, उसके बाद पुतिन आगे क्या करेंगे ये तय होगा। यूक्रेन में अगर पुतिन का मिशन पूरा हुआ तो वो यहीं नहीं रुकेंगे, ये बड़ा दावा किया गया है रूस के पूर्व पीएम की तरफ से। बाल्टिक स्टेट रूसी राष्ट्रपति का अगला टारगेट हो सकते हैं, अगला निशाना होंगे बाल्टिक देश। युद्ध के 3 दिन पहले तक किसी को नहीं पता था कि यूक्रेन पर हमला होने वाला है और अचानक से यूक्रेन को निशाना बनाया गया। जो पुतिन अब है वो अलग है, मैं एक अलग पुतिन को जानता था, ये कह रहे हैं रूस के पूर्व पीएम मिखाइल कास्यानोव। पुतिन 20 साल में डर के आधार पर सिस्टम बनाने में कामयाब रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात पूर्व पीएम की तरफ से की गई है। देश में डीकम्युनाइजेशन डीपुतिनाइजेशन करने में 1 दशक लगेगा, ये भी उनका कहना है। एक शख्स लंबे वक्त तक सिस्टम को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। तो रूस के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन के कई इलाके तबाह हो चुके हैं, सब कुछ लगातार TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यही बना हुआ है कि रूस के हर कदम पर जहां पूरी दुनिया की नजर है, वहीं पड़ोसी देश अब उसके हर कदम से सहम जा रहे हैं। और बड़ा सवाल यही है कि आखिर रूस अब किस तरीके से बाल्टिक देश को अपने निशाने पर लेना चाहता है। सवाल यही कि आखिर यूक्रेन के बाद अब रूस के निशाने पर कौन। TV9 भारतवर्ष के पास एक एक डिटेल इसको लेकर भी है कि आखिर किस स्ट्रैटेजी के तहत रूस अपने अगले कदम बढ़ा रहा है। अब बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि यूक्रेन के बाद बाल्टिक देश क्या अब रूस के निशाने पर है, क्योंकि यहां जिक्र करना चाहेंगे एस्टोनिया का, लातविया का और लिथुआनिया, जो कि पुतिन के निशाने पर बताए जा रहे हैं, क्योंकि हाल ही में पुतिन ने यह भी कहा था कि अपनी जमीन वापस लेने का अब समय आ चुका है। हालांकि अभी रूस का फोकस यूक्रेन पर है, लेकिन जानकार बाल्टिक को अगला टारगेट मान रहे हैं। इसके अलावा यह भी बता दें, रूस एक साथ दूसरा मोर्चा खोलकर अपनी मुश्किलों को बढ़ाना अब नहीं चाहता है, लेकिन तीनों देश नेटो के सक्रिय सदस्य हैं और उनकी तुलना अब यूक्रेन से नहीं की जा सकती है। साथ ही रूस अगर इन तीनों देशों में से किसी के खिलाफ भी हमला करता है तो नेटो पर हमला इसे माना जाएगा। अब समीर, बड़ा सवाल इस बीच यही था और साथ ही सिन्हा साहब, यही सहमते हुए डर अब सता रहा है रूस के पड़ोसियों को भी, क्योंकि यहां चिंता इस बात को लेकर बढ़ती जा रही है कि रूस अपने कदम में कोई भी सख्ती अब जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं उसका असर साफ नजर आने लगा है। देखो सुरभि, पहली बात तो यह है कि यह समझने की जरूरत है कि रूस का यूक्रेन में क्या लक्ष्य था। सेना में हम लोग को बोला जाता है एम, एम क्या था, एम का टू कैप्चर यूक्रेन और न्यूट्रलाइज यूक्रेन, और इंश्योर करना कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा न बने। तो एम, पहला एम जो मैंने डिफाइन किया वो पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, लेकिन यूक्रेन को तो नाटो ज्वाइन करने से रोक लिया। अब जो ईस्टर्न यूक्रेन है उस पर तो काफ़ी प्रभाव अपना बना लिया है रूस ने, अब वो एम प्लस की तरफ जाएगा। और एम प्लस क्या है, बाल्टिक सी के किनारे जो जो देश हैं उनको सबक सिखाएगा कि तुम समझते हो कि रूस के लिए तुम खतरा बन सकते हो तो तुमको इसकी सजा मिलेगी, वो ए होगा एम प्लस। अमेरिका चाहता है कि रूस ब्लीड करे, लेकिन हो क्या रहा है, अमेरिका और जेलेंस्की के गलती के कारण पूरा विश्व भूखमरी के स्टेज पे पहुंच रहा है, इसका भुगतान कौन करेगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल वाजिब सवाल है सिन्हा साहब आपका, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि क्या दूसरा वॉर फ्रंट, जहां तक बाल्टिक देशों का सवाल है, क्या दूसरा वॉर फ्रंट खोलने की तैयारी पुतिन करने जा रहे हैं और कास्यानोव के इस दावे में कितना दम है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।